क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन के भीतर क्या चल रहा होता है जब हम सोते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 15 सेकंड में आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि आपके विचार और इच्छाएं, जो आप सोने से पहले सोचते हैं, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? इन सवालों का जवाब आपको चौंका सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। एक साधारण तकनीक जो मात्र 15 सेकंड लेती है, आपकी पूरी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपका भविष्य बदल सकती है। लेकिन यह कैसे संभव है? यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है या इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी है? गौतम बुद्ध के विचारों और उनकी गहन शिक्षाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे अवचेतन मन का सही उपयोग हमें अपने जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता प्रदान कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने से पहले हमें बुद्ध के मन की शक्तियों के बारे में जानना होगा, जो उन्होंने सालों के ध्यान और अनुभव से सीखा। बुद्ध के अनुसार मन की शक्ति, गौतम बुद्ध ने जीवन भर इस पर जोर दिया कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके विचार सिर्फ सतह पर नहीं होते, वे गहराई में कहीं अवचेतन में भी बसे होते हैं? बुद्ध के ध्यान और जागरूकता पर आधारित शिक्षा बताती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को जागरूक करें और सही दिशा में ले जाएं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन हमारे हर दिन के कार्यों, हमारे निर्णयों और यहां तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करता है। बुद्ध ने मन के तीन हिस्सों पर जोर दिया, चेतन मन जो हमें जागरूक रखता है, अवचेतन मन जो हमारे जीवन के हर अनुभव को जमा करता है, और अचेतन मन जो हमारी आदतों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। बुद्ध के अनुसार अवचेतन मन की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि इसे जागृत करना ही जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अवचेतन मन की क्षमता, अवचेतन मन के बारे में सोचे जैसे एक बड़े समुद्र के नीचे छिपी हुई दुनिया। जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह इस अवचेतन में छिपा होता है। चाहे वह हमारी खुशियां हों, दुख हों या फिर डर, सब कुछ अवचेतन में बैठा रहता है। अवचेतन मन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर निर्णय, आदत और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के हर कार्य और उसकी सोच का मूल अवचेतन में होता है। यही कारण है कि जो हम सोचते हैं वह हमें बनाता है। यह अवचेतन मन की ताकत है। अगर इसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने विचारों और आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अवचेतन मन की शक्ति और बुद्ध के विचार गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध शिक्षा थी, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इस वाक्य के भीतर छिपी है वह शक्ति जो हमारे अवचेतन मन में निहित है। अवचेतन मन का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर आप नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे तो आपका जीवन भी नकारात्मक ही बनेगा। इसी तरह अगर आप सकारात्मक विचारों का पोषण करेंगे तो अवचेतन मन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट करने के लिए ध्यान और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। ध्यान की भूमिका बुद्ध के ध्यान अभ्यास में अवचेतन को साफ करने की गहरी विधि सिखाई गई है। ध्यान से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ध्यान से ही हम अपने अवचेतन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उसमें सकारात्मकता भर सकते हैं। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और यह हमारी अवचेतन की परतों में छिपे नकारात्मक विचारों को मिटाने का काम करता है। नियमित ध्यान से अवचेतन मन में जमा नकारात्मकता को साफ किया जा सकता है और उसमें नई ऊर्जा भर सकती है। बुद्ध ने हमेशा कहा कि ध्यान का अभ्यास जीवन की हर कठिनाई का समाधान है। जब अवचेतन मन में शांति और स्थिरता होती है, तब हमारा जीवन भी संतुलित हो जाता है। सोने से पहले अवचेतन मन को जागृत करना, सोने से ठीक पहले का समय
अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है। यह समय वह है जब हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन जागृत अवस्था में आता है। इस समय के गए विचार और संकल्प गहरे रूप से हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं। एक साधारण 15 सेकंड की प्रक्रिया से आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सोने से पहले सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में लाएं, अपने मन में वह विचार दोहराएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यह विधि आपके अवचेतन को न केवल शांत करती है बल्कि आपकी इच्छाओं को भी सच करने में मदद करती है। बुद्ध के अनुसार सकारात्मक संकल्प, गौतम बुद्ध ने संकल्प और इच्छा शक्ति को बहुत महत्व दिया। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आप हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन में सकारात्मक विचारों का संकल्प भरेंगे तो वह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सही सोच और नियमित अभ्यास से आपका अवचेतन मन आपकी हर इच्छा को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। बुद्ध की शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अवचेतन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब मन शांत और संतुलित होता है तो हर स्थिति में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अवचेतन मन को पुनर्निर्माण करने के 5 चरण होते हैं। पहला चरण है जागरूकता, अपने विचारों को पहचाने। बुद्ध ने कहा था कि हमें हर पल जागरूक रहना चाहिए। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा चरण है ध्यान और शांति। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालें। जब मन शांत होता है तभी हम अपने अवचेतन में सकारात्मक विचार डाल सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अवचेतन में स्थापित करना सोने से पहले अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा तरीका है। सकारात्मक विचारों को अपने मन में गहराई से बिठाना। बुद्ध ने हमेशा कहा, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। जब आप सोने से पहले उन विचारों को बार बार दोहराते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके अवचेतन में जड़ जमा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। इस तरह के विचार आपके अवचेतन में गहरे उतरते हैं और धीरे धीरे आपकी मानसिकता और जीवन को बदलते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आपके द्वारा किया गया संकल्प, जिसे आप सोने से पहले बार बार दोहराते हैं, अवचेतन में जगह बनाता है और आपको उसी दिशा में ले जाता है। यह विधि सिर्फ 15 सेकंड लेती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अवचेतन मन जागरूक होता है और आप अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में सुधार लाती है। संकल्प और अवचेतन मन का संबंध। बुद्ध के अनुसार संकल्प, इंटेंशन और अवचेतन मन के बीच का संबंध बहुत गहरा है। आपका संकल्प जितना स्पष्ट और शक्तिशाली होगा उतना ही आपके अवचेतन मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध ने कहा था कि हमारे संकल्प हमारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। अगर हम अपने अवचेतन को अच्छे विचारों और संकल्पों से भरेंगे तो वह हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। जब आप सोने से पहले कोई संकल्प लेते हैं तो वह अवचेतन में गहरी छाप छोड़ता है। यह संकल्प धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन या स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो सोने से पहले उस पर ध्यान केंद्रित करें और संकल्प लें। अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और उसी अनुसार काम करने लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार इस विधि से आपके जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समृद्धि आ सकती है। सिर्फ 15 सेकंड का यह अभ्यास आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। अवचेतन में नकारात्मकता को दूर करना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारे अंदर की नकारात्मकता है। अगर आप अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम नहीं करेंगे तो नकारात्मक विचार और भावनाएं उसमें घर कर लेंगी। यही कारण है कि हमें सोने से पहले अवचेतन को साफ करना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल मन को शांत करती है बल्कि नकारात्मकता को दूर कर उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसमें पहला कदम है अपने दिन के विचारों का विश्लेषण करना।
सोने से पहले कुछ क्षण अपने विचारों पर ध्यान दें। कौन से विचार आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से विचार आपको सफलता से दूर ले जा रहे हैं, उन विचारों को पहचानें और उनसे दूर होने का संकल्प लें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं नकारात्मकता से मुक्त हूं। इस प्रकार के सकारात्मक शब्द आपके अवचेतन मन में गहरे उतरते हैं और उसे नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। जब आप इसे रोजाना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में हल्कापन और सकारात्मकता बढ़ रही है। विचारों का महत्व। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार विचारों की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके विचार ही आपका जीवन निर्माण करते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन नकारात्मकता से घिर जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों का पोषण करते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। सोने से पहले अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए यह समय विचारों को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी समय होता है। अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने के लिए सोने से पहले शांत होकर ध्यान करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। यह विधि आपके मन को स्पष्ट और केंद्रित रखेगी, जिससे आप अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकेंगे। अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि अगर हम अपने अवचेतन को सकारात्मकता से भरते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अवचेतन मन हमारे दिन प्रतिदिन के फैसलों और आदतों को नियंत्रित करता है। इसलिए जब हम इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं तो इसका असर हमारी सोच और हमारे कामों पर साफ दिखाई देता है। सोने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप केवल सकारात्मक चीजों के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी नकारात्मक विचार या चिंता आपके अवचेतन में ना जाए। इसके लिए गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और उन चीजों की कल्पना करें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और भावनाएं बैठती जाएंगी और धीरे धीरे यह आपकी असलियत बन जाएंगी। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि अवचेतन की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान और अवचेतन का सामंजस्य। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो अवचेतन मन को नियंत्रित और साफ करने में मदद करती है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधना बताया था। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में छिपी हुई भावनाओं और विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। सोने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान आपके मन को शांत और संतुलित करता है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन में जमा हुई नकारात्मकता को बाहर निकालने का काम करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है और यह अवचेतन में नई सकारात्मकता को स्थापित करने का अवसर देता है। धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है, जहां आप खुद को शांत, संतुलित और सकारात्मक महसूस करते हैं। बुद्ध की ध्यान विधियों का अनुसरण करने से अवचेतन मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पसंद आई हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए डी इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।